नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता जी के 9 स्वरूपों को आपको कौन से भोग चढ़ाने चाहिए, और ये अगर खास भोग आप चढ़ाते हैं माता जी को तो इससे माता जी आपको खास फल देंगी और साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माता जी के पहले स्वरूप के बारे में, जो कि हैं शैलपुत्री माता। तो नवरात्र के पहले दिन माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है, और इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए और इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। हम बात कर रहे थे दूसरे स्वरूप के बारे में। तो नवरात्र के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, और इस दिन जगत की जननी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से चिरायु का वरदान मिलता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे तीसरे दिन के बारे में। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और इस दिन माता को दूध का भोग चढ़ाएँ और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए, और ऐसा करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अगला यानी कि चौथा। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है, और इस दिन माता को मालपुआ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसे ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए, और ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है। अगला यानी कि पाँचवा। तो नवरात्रि के पाँचवें दिन माँ के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है, और इस दिन जगत जननी को केले का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। अगला यानी कि छठा। तो नवरात्र के छठवें दिन माँ के षष्ठम स्वरूप यानी कि कात्यायनी की पूजा होती है, और इस दिन माँ भवानी को शहद का भोग लगाना चाहिए और ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगला यानी कि सातवें दिन। तो नवरात्रि के सातवें दिन माँ के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है, और इस दिन माँ भवानी को गुड़ से निर्मित भोग अर्पित करना चाहिए, और ऐसा करने से शोक से मुक्ति मिलती है। अगला हम बात कर लेते हैं आठवें स्वरूप के बारे में। तो नवरात्रि के आठवें दिन माँ के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है, और इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, और ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगला यानी कि आखिरी नौवा। तो नवरात्रि के नौवें दिन माँ के नवम स्वरूप सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, और इस दिन माता को घर में बने हुए हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए, और ऐसा करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को बता दिया है क्योंकि माता के हर स्वरूप को कौन से भोग पसंद हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।